नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी मैट्रिमोनियल साइट चलाकर शादी के इच्छुक लोगों को ठगने का काम करता था। इस गिरोह के शिकार 11 राज्यों में फैले हैं। पिछले 2 साल से के भीतर इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को बड़ी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि मिले हैं। इस गिरोह के जाल में आम लोग, कारोबारी सहित पुलिस कर्मचारी, समाज के अन्य तबके के लोग आए हैं। पकड़े गए लोगों में 4 लड़कियां हैं जबकि 2 इनके सहयोगी पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। सभी लोगों के खिलाफ 2 करोड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि कंप्यूटर, लैपटॉप के भीतर का डाटा निकालने के बाद इस गिरोह की कारगुजारियों के कुछ और खुलासे हो सकते हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक को इस गिरोह के बारे में पिछले दिनों शिकायत मिली थी। इसका एसपी ने क्राइम ब्रांच पुलिस को अलर्ट किया। इस गिरोह को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अंजलि बैस, नीलू गर्ग, अंजना डोगरे, अतुल पाल, कोमल पखरिया और जयदीप कुमार शामिल हैं। इस सुनने पुलिस अधीक्षक कॉलेज ने जानकारी दी। सर, किस तरह से पूरा रैकेट का खुलासा किया है और कब से लोग संचालित कर रहे हैं? आज क्राइम ब्रांच ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाने वाले 6 सदस्यीय गैंग को पकड़ा है जो कि अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से ये मैरिज ब्यूरो संचालित कर रहे थे। इसमें कुल 4 महिला और 2 पुरुष आरोपी पकड़े गए हैं। 419, 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध थाना क्राइम में दर्ज किया गया है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन रजिस्टर्स जब्त किए गए हैं जिसमें ठगे गए ग्राहकों के नाम, पते और उनसे कितना पैसा लिया गया है उसका उल्लेख है। काफी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जब्त किए गए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी अर्थात इनकी कार्यप्रणाली इस प्रकार की रहती थी, इनकी वेबसाइट पर जैसे ही कोई जाके और वधु के लिए अपना बायोडाटा भेजता था तो ये इसको कॉल लगाते थे और कॉल लगा के बताते थे कि आपके लिए हमने फला लड़की मैच की है और उस लड़की का एक फोटोग्राफ ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल से जाके निकाल के उसको भेजते थे कि ये लड़की है और उस लड़की की जगह कोई अन्य लड़की टेलीफोन से बात करना आरंभ कर देती थी। इसके बाद ये इनसे बहुत छोटा अमाउंट 2000, 4000, 5000 से लेकर 10000 रुपए तक अकाउंट में डलवाते थे और उसके बाद उसको ब्लॉक कर देते थे। अभी जो हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा ग्राहकों को इन लोगों ने 11 राज्यों में भारत के ठगा है। और अभी चूंकि मैंने बताया कि दस्तावेज बहुत ज्यादा संख्या में मिले हैं, इनको अभी हम और प्रॉपर स्कैन करेंगे तो पता चलेगा। कुल मिला के ये लगभग 1.5 से 2 साल की अवधि में इनके द्वारा ये ठगी का कार्य किया गया है और अब इनके पकड़े जाने से मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र में बहुत सारे लोग ठगने से बचेंगे। इनको अभी क्राइम ब्रांच में अरेस्ट करके और अभी पूछताछ जारी है और ये एक बहुत ही बढ़िया इनपुट मिलने पे संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई। नहीं, ये सभी 6 लोकल के हैं और पिछले 2 साल से इस तरह से काम कर रहे थे। ये इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है, ये ग्वालियर में, चूंकि ग्वालियर के रहने वाले हैं, यहीं संचालित कर रहे थे। यहाँ के लोगों को ये एंटरटेन नहीं करते थे, ये बाहर के लोगों को एंटरटेन करते थे जिससे कि शिकायत भी यहाँ पे नहीं हो पाती थी। एक और दूसरा, इन लोगों में से कुछ ने पहले जो रियल मैरिज ब्यूरो होते हैं उसमें भी काम किया है, कुछ ने कॉल सेंटर में काम किया है और जो एजुकेशन बैकग्राउंड है इसमें कुछ ग्रेजुएट हैं और कुछ 12th हैं, परंतु कम्युनिकेशन में इन सब की मास्टरी है, मतलब जो हम बातचीत करते हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर भी ये सभी को चलाना अच्छे से आता है। ये जो 6 हम बोल सकते हैं संचालक हैं और इनका एक मोडस ऑपरेंडी ये भी रहता था कि ये जो लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी वॉइस थोड़ी सी ठीक रहता था कि ये जो लड़कियां, नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी वॉइस थोड़ी सी ठीक है, जो कि बोलने में थोड़ी एक्सपर्ट हैं, उनको ये हायर करते थे बहुत छोटे अमाउंट पे, ये रखते थे और उनका काम कॉल करने का होता था और इस तरह की जो बच्चियां थीं वो ग्राहकों को बात करती थी इनके कहने पर। उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है नाबालिग हैं और कुछ समय करती थी, वो आगे चल के हमारे विटनेस के रूप में भी काम करेंगे। अभी 419, 420 भारतीय दंड विधान के तहत थाना अपराध शाखा में प्रकरण दर्ज किया गया।